राम राम जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम अपडेट बिहार और मैं आपके साथ एन देसाई, और बात करेंगे इस वीडियो में बिहार के मौसम के बारे में, अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, आपके इस यूट्यूब चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल मौसम अपडेट बिहार पर 50,000 का जो परिवार है वो पूरा हो चुका है, और इसके जो पूरे भागीदार हैं वो आप लोग हैं। आपके सहयोग के बिना ये मुमकिन नहीं था। हालांकि मेरी मेहनत भी थी, लेकिन आपका प्यार और आपका सपोर्ट बेहद जरूरी था। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई हो, और किसान भाइयों, आगे भी इसी प्रकार का प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा, ये आशा हम आपसे करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं बिहार के मौसम के बारे में। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के कई इलाकों पर मौसम में भारी बदलाव दर्ज किया जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में आपको जानकारी दी होगी कि 5 मई को बिहार के ज्यादातर इलाकों पर काल बैसाखी जैसी बारिश की गतिविधियां शुरू होने जा रही है, जो कि बहुत ही सटीक पूर्वानुमान निकला है कि आगामी 24 घंटों के दौरान बिहार के जो उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, मेघ गर्जना की गतिविधियों के साथ और आंधी तूफान की गतिविधियों के साथ बारिश की गतिविधियां अगले 3 से 4 दिनों के दौरान, यानी कि 6, 7 और 8 मई तक यहाँ पर देखने को मिलेगी, और भयंकर बारिश की गतिविधियां होने वाली है। तो उसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें, और चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में आपके जिले की मौसम जानकारी भी हम आप तक पहुंचा पाए। फिलहाल दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, खासतौर पर पूर्णिया, कटिहार और जो भागलपुर, बंका, मुंगेर, खगड़िया, सरसा के इलाके हैं, मेदपुरा, अररिया के कुछ इलाकों पर बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी। 5 मई की शाम होते होते काफी स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की जाने की संभावना है। ज्यादातर इलाकों पर मेघ गर्जना की गतिविधियों के साथ हल्की सी मध्यम बारिश की गतिविधियां, तो इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां भी रिकॉर्ड की जाएगी। और वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, राजधानी पटना, नालंदा, नवादा और जो गया, रोहतास, औरंगाबाद और जो कुमूर के ज्यादातर इलाके हैं, बक्सर, भोजपुर के कहीं क्षेत्र हैं, यहाँ पर फिलहाल भीषण गर्मी का प्रकोप यहाँ पर जारी रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 5 मई को यहाँ पर फिलहाल तापमान 40 से लेकर 45 के बीच में दर्ज किया जाएगा। गर्म हवाएं चलेगी और गर्म हवाओं के साथ साथ यहाँ पर लू और हीटवेव जैसी स्थिति लगातार बनी रहने की संभावना है। फिलहाल यहाँ पर कोई विशेष बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन हालांकि 5 मई की देर रात यहाँ पर बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है, और 6 मई को यहाँ पर पूरी तरह से मौसम बदल जाएगा। ज्यादातर इलाकों पर बादलों की आवाजाही के बीच मेघ गर्जना की गतिविधियां और मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और जो पूर्णिया, कटिहार के क्षेत्र हैं, सरसा, खगड़िया, मुंगेर और जो भागलपुर और जो बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमोही, नवादा, नालंदा के इलाके हैं, बंका के ज्यादातर इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर 6 और 7 मई को यहाँ पर भयंकर वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने काफी स्थानों पर अलर्ट भी जारी कर दिया है, और उस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। और इसका जो मेन कारण है दोस्तों, वो बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम का असर लगातार पूर्वोत्तर राज्यों पर देखने को मिलेगा। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई इलाके हैं, साथ ही बिहार के ज्यादातर इलाकों पर मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आर्द्र वाली हवाएं, नम वाली हवाएं लगातार बंगाल की खाड़ी से इन क्षेत्रों पर पहुंचेगी, जिसके चलते यहां पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, नए बादल बनेंगे और बादलों की आवाजाही के बीच मेघ गर्जना की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्री मानसून की वर्षा जब भी होती है तो तेज मेघ गर्जना की गतिविधियां और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना ज्यादा रहती है, मुकाबले मानसून की जो बारिश की गतिविधियां होती हैं वो काफी धीमी और काफी स्थिरता वाली बारिश की गतिविधियां होती हैं, बल्कि प्री मानसून की गतिविधियां लगातार उग्रवादी बारिश की गतिविधियों में देखी जाती है। आगामी दिनों में काल बैसाखी जैसी बारिश की गतिविधियां बिहार के अधिकांश क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी, उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आकलन करके, एनालिसिस करके आपको लगातार हर रोज अपडेट दी जाती है, तो आप लगातार मौसम अपडेट बिहार यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे। और किसान भाइयों, एक छोटी सी जानकारी और देनी थी कि मौसम अपडेट बिहार यूट्यूब चैनल पर मानसून 2024 कैसा रहेगा संपूर्ण बिहार के क्षेत्रों पर, उसका पूर्व अनुमान और सटीक भविष्यवाणी का वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि कैसा रहेगा संपूर्ण बिहार के क्षेत्रों का मौसम, मानसून किस तरह बारिश की गतिविधियां देगा, उसके बारे में भी पूरा आकलन करके, एनालिसिस करके उस वीडियो में हमने जानकारी दी है, तो वो वीडियो भी जरूर देखें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर भी जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।